ऐसा लगता है उनका काम अतिशय अच्छी तरीके का है। इनका काम ऐसा है कि 75% चार्ज इनका ये लेसी करते आए हैं, 25% में अपना कारोबार चला रहे हैं। मैंने इनको यही कहा है कि जो आप कर रहे हैं वो इतना अच्छा है कि सारे हॉस्पिटल के लोगों को आज मेरी बात सुनने के बाद भी उनको ऐसा लगेगा अरे 75% डिस्काउंट अगर नरेंद्र जी दे रहे हैं। तो मैं आज ही उनको बोला कि भाई एक नया हॉस्पिटल आपको जल्दी खरीदना पड़ेगा क्योंकि 75% लेस करके आप काम कर रहे हो, मतलब जनता का काम कर रहे हो। और हम लोग तो जनता के सेवक है, हम लोग जनता के लिए कर्म करते आए हैं और हमारे सनातन में यही चीज स्पष्ट है कि जो सेवा करता है उसको आशीर्वाद। देखिए नरेंद्र जी मेरे शिष्य हैं, उन्होंने कहा कि मेरा कार्यालय का उद्घाटन करना है और आप मेरे गुरु हैं तो आप मेरे इस कार्यक्रम में अवश्य आना है। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम कार्य करते आए हैं, हमारे लिए हमारा शिष्य अगर कोई कार्य में बढ़ने वाला है तो उसको सदा ही हम आशीर्वाद देने के लिए सदा तत्पर साथ में रहते हैं और जो हमारा हाथ रहता है वो हाथ आने उनके साथ है। कैसे उनके काम? मैं पूछ रहा हूँ आपको आप क्या कहना चाहिए क्योंकि ऐसा है कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और खुद डॉक्टर होते हुए भी वो लोगों की सेवा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि कोविड में बहुत बढ़िया काम किया, विनोद जी ने भी बताया कि सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते उन्होंने लोगों की सेवा की। जाहिर है कि एक तिरंगे का सिपाही होने के नाते मैं अपने आप को तिरंगे का सिपाही समझता हूँ, वे भी मेरे तिरंगे का सिपाही है। ये पूरे हलके में लोगों की ये जरूरत थी, एक ऑफिस हो, लोग आपकी आके अपनी बातें करें, समस्या जो है उसकी चर्चा हो, बाकी चाहे कॉरपोरेशन की बात हो चाहे और भी कोई बात हो। जाहिर है कि पानी और रोड की जब समस्या आती है तो कॉरपोरेशन की बात आती है, लेकिन और भी कोई समस्या अगर है तो भी हम बैठे हैं। मैं खुद विधायक हूँ, ये खुद विधायक रह चुके, माड़ा के चेयरमैन रह चुके, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कार्यकर्ता अगर ताकत से खड़ा रहता है तो उसको सपोर्ट करने का काम मैंने पूरी जिंदगी में किया है। मैंने भी कांग्रेस के तिरंगे का सिपाही, मैं जब कॉलेज में था तब से आज तक 40 साल हो गए और जाहिर है कि ये सारे लोगों को मैंने, इनसे तो मेरा पारिवारिक संबंध बहुत पहले से है, तकरीबन 25 साल तो डेफिनेटली हुए हैं। मेरे पास आया करते थे और हमारी तब से एक दूसरे से एक अलग रिश्ता है। आज वो एक कार्यकर्ता होने के नाते वो काम करने के लिए ऑफिस खोला है तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस कार्यालय से लोगों के बहुत सारे काम जो है हो जाएंगे, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। तो भाई आपको कितना विश्वास है नरेंद्र जी पर कि जनसंपर्क कार्यालय तो खुलते हैं लेकिन उससे जो यहाँ की जनता है उनकी समस्या भी सॉल्व होगी इस कार्यालय से? वो कार्यालय खुलने के पहले उन्होंने सेवा शुरू कर दी है, पानी की समस्या कार्यालय खुलने तक इंतजार नहीं किया। अभी जो बात कह रहे थे जहाँ चेन स्नैचिंग होती है, जहाँ जब अंधेरा होता है रात को मुंबई में क्या क्या होता है आप बेहतर जानते हो, लोग आते जाते हैं, महिलाएं खास करके आती जाती हैं, तो उन्होंने लड़के उन्होंने वहाँ 25 जो ये है पोल्स उसकी सैंक्शन उन्होंने ली है और वहाँ भी अभी ठीक ढंग से उजाला होगा। तो ये ऑफिस खुलने के पहले उजाला हुआ है, ऑफिस के बाद तो ज्यादा उजाला होगा, ज्यादा काम होगा। देखिए मैं पहले भी कार्य करता रहा हूँ और जनता के हित में जो काम होंगे उसका मैं सिर्फ फायदा कर सकता हूँ, काम जरूर करूँगा। और मेरा एक मानना है कि इसके साथ साथ यहाँ की जनता मुझे समर्थन दे रही, बिना जनता के समर्थन के काम करने में तकलीफ होती है। और दूसरा सभी जो BMC वाले हैं, पुलिस वाले हैं, अडानी वाले, सबने काफ़ी मुझे सहयोग दिया है और सभी डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो सब ने इनडायरेक्टली मुझे बोला हुआ है जैसा आपकी कोई भी फाइल आई रही कहीं से भी आई रही हम आपको सब काम करने में मदद करेंगे। भाई जगताप जी जो आए थे उनको तो मैं 25-30 वर्ष पहले भी मिला था और उनके साथ उनके गांव में
जब भी वो सिर्फ यूनियन लीडर थे उस समय भी मैंने मेडिकल कैंप किया, मेरा पूरा हॉस्पिटल स्टाफ ले रहा था। तो भाई जगताप जी से मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, वो मेरे घर पे भी आ चुके हैं, और कोई भी इस क्षेत्र में अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो कोई भी यहाँ का कोई भी नर्स सेवर लड़ना चाहे रहा तो मुझे किसी से डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग या चालीज नहीं है जिसमें कि मुझे पब्लिक नहीं जानती है। तो नरेंद्र जी इस जनसंपर्क कार्यालय में खुद उपलब्ध होंगे जनता की समस्याओं को सॉल्व करने? हाँ, मैं एक घंटे लिए दोनों टाइम यहाँ मिलने वाला हूँ, बाकी टाइम पे मेरा स्टाफ मिलेगा। इसके अलावा भी अभी किसी को यहाँ मैं नहीं मिल पाया तो मेरा हॉस्पिटल नेक्स्ट बिल्डिंग में ही है, तो वहाँ भी पब्लिक आ सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यालय का टाइमिंग वगैरह कुछ बता सकते हैं? टाइम बाद में डिसाइड होगा। उनके कार्यों को लेकर नरेंद्र जी हमारे पारिवारिक मित्र है, भले वो हमारी शिवसेना में हो, वो कांग्रेस में, मैं इस एरिया में एमएलए रह चुका हूँ, मैं इस एरिया में कॉर्पोरेटर भी रह चुका था, तो पारिवारिक संबंध है और रहेंगे, ये कोई भाजपा वाले नहीं, कांग्रेस वाले है, वो कोई पीछे से कुछ करने वाले नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए उनको शुभेच्छा देने के लिए।